I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, पूरे परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह उठते उठते मेरे यहाँ चलने लगता है टीवी, तो यही है। और अभी मैंने चाय बनाई है, 2 कप चाय और 2 ब्रेड को मैंने सेका हुआ है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ नहीं होती है मोस्टली, लेकिन आज मन था कि चाय पी लेते हैं, थोड़ा सुबह का टाइम था इसलिए। तो चलिए हम लोग पीते हैं चाय और आप लोगों से बहुत ज़रूरी जो है ना, कुछ हम लोगों को शेयर भी करना है। रूम में ही चलते हैं, बाबू बैठा है, वो टीवी देखेगा ना इसलिए, तो हम लोग आज रूम में चलते हैं। नहीं तो हम लोग मोस्टली चीज़ मतलब हॉल में ही हमारा होता है, जैसे सोफे के पास ही हमारा खाना पीना उधर और ये सब भी सारी चीज़ें होती है। आपको इन्विटेशन देना पड़ेगा क्या? बैठ जाइए, चाय ठंडा हो जाएगा। चाय का यही होता है कि अगर चाय बन गई है तो पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। तो गाइस, जो चाय होती है उसे ब्रेड को ना डुबा डुबा के खाते हैं। मैं चाय खाती हूँ, पीती नहीं हूँ। तो ये चीजें हैं। अभी अपने अपने यहाँ के लोग भी होशियार हो गया है, क्योंकि पहले बिहार से कोई बाहर और यूपी से बाहर जाता नहीं था, अभी सब लोग बाहर जा रहे हैं तो पता है कि चाय खरीदो, चाय पियो, वो नहीं चाय खाना है। हम शुरू से ही चाय खाते हैं, क्योंकि चाय अगर मिला है तो अगर बिस्किट ब्रेड या कुछ नहीं रहेगा ना उसके साथ, तो एकदम बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और गाइज, आप लोगों से शेयर जो करना था चीज़, वो मैं बता रही हूँ कि हम लोग अभी मतलब तैयारी में है पूरी, तो इस टाइम पे हम लोग साथ में मतलब सोचा ना मैंने कि चाय पियेंगे तो साथ में बातें भी हो जाएंगी हमारी, इनसे भी मुझे बात बात करनी है, जो भी चीज़ वो भी हो जाएगी। तो अब अकेले क्या बात करूँ, साथ ही में तीनों लोग बात कर लेते हैं, तीनों लोग नहीं, आप लोग भी और हम दोनों भी। तो एक्चुअली हम लोग बिहार जा रहे हैं, बिहार जाने की प्लानिंग हो रही है, तो वहाँ जाना है। और इस बार थोड़ा अभी खुशी हो रही है क्योंकि हमारा जो मतलब टिकट्स वगैरह हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, पैकिंग करनी है हमें। और ये भी नहीं है कि हम लोग बहुत दिन के बाद जा रहे हैं, अब भी मतलब एक आध दिन के अंदर ही हम लोग निकलेंगे, तो बाकी फटाफट से हमें बहुत सारी पैकिंग करनी है, ढेर सारी पैकिंग करनी है, बाकी सारी तैयारियां करनी है। तो बहुत काम है अभी मेरे पास, तो मुझे नहीं लगता कि दिन में मेरे को भी आज समय मिल पाएगा ना। तो मैंने इनसे बोला कि मैं अभी चाय बनाती हूँ, पीते हैं, और मैं जल्दी जल्दी से मतलब तैयार हो गई थी अपना, और परी को स्कूल भेजते ही सारा काम करने में लग गई थी। चाय पी गए अपना, अयो ये देखिए चाय और ब्रेड दोनों खत्म। खत्म। अगर आपको टाइम निकालना हो टाइम मिल जाएगा, और नहीं निकालना हो तो टाइम नहीं निकलेगा। जैसा हमारी परी है, उसको टाइम मिलता ही नहीं है टीवी देखने का, क्योंकि वो खाना ही धीरे धीरे खाती है, सब काम धीरे धीरे करती है। अगर आप खाना खाओ धीरे धीरे सब काम। रोज डांट सुनती है परी इस चीज के लिए कि टीवी नहीं देखो, टीवी नहीं देखती है, उसको टाइम कहाँ है टीवी देखने का, लेकिन फिर भी जब खाना खाती है ना उस टाइम पे चला लेती है। और ये गुस्सा होते हैं, दिन में तो रहते नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रात को गुस्सा होते हैं कि अभी पहले खाना खा लो फिर टीवी देखो। बोलते सही है ये, लेकिन वो बोलती है ना कि फिर मैं अगर खा लूंगी तो आप लोग बोलोगे कि जाओ पढ़ लो। आप लोगों में कितने सारे लोग हैं जो दशहरा मतलब दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर जा रहे हैं? मुश्किल लोग बोलेंगे नहीं, नहीं क्या लोग जाते भी हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना, बच्चों को आती है, लोग नहीं होता, लेकिन बच्चों के छुट्टी हो जाती है तो लोग चले ही जाते हैं। और उसमें भी हमारे यहाँ मुस्लिम लोग प्रेफर करते हैं दीपावली और छठ में, छठ में हमारा छठ जो पर्व है, और दीपावली में भी नहीं जाने की कोशिश करता है, क्योंकि दीपावली में लोग क्या सोचता है कि कंपनी जहाँ काम करता है वहाँ बोनस में कुछ ना कुछ मिलता है, मिलता है, फिर जो जहाँ रहता है कपड़े हो गए तो सोचता है कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उसको घर लेकर जाऊंगा तो अपने लोगों को दूंगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए वो दीपावली के दिन के बाद से ट्रेवल करता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो जहाँ रहता है, किसी किसी का अपना घर होता है, चाहे मतलब जो भी लोग सोचते हैं कि हम जब यहाँ रह रहे हैं तो हम लक्ष्मी थोड़ा मना के जाएं, दिया जला के जाएं, कई लोगों का ये भी थिंकिंग होता है, और दोनों थिंकिंग होता है। बाकी अब चलिए जो भी है, और चलिए आज पैकिंग वैकिंग भी मेरी स्टार्ट होगी। तो कल आप लोगों को मैंने वीडियोस में दिखाया भी था कि मैं जो है ना, बस मैंने कुछ पैकिंग नहीं की है, बस जो कपड़े थे ना मैं इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि मैं जो भी साड़ी ओढ़ी थी सभी दो रखे थे मैंने, तो बस इकट्ठे करके रखी हूँ, वो तो अलग है। बाकी हमारा हम सबका पैकिंग, हम चारों का पैकिंग अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सब बाकी है, अभी ढूंढने हैं कपड़े और सब मतलब रखना है। फिर लास्ट में तो लगा जाते जाते रास्ते में याद आएगा कि तो रखे ही नहीं, वैसा नहीं करने देंगे हम। मैं चाय भी ठंडा हो गया, तो गाइस मैं चाय पीती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाकी हमारी जो पैकिंग होगी वो मैं आप लोगों से सारा कुछ शेयर करूँगी,
क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके जा रही हूँ और क्या मतलब लेना है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से फिर। तो गाइस उसके बाद से इस टाइम पे मैं सब्जी बनाने लगी थी और ये सब्जी मैं केले की सब्जी बना रही हूँ। तो फ्राई करके मैंने केले को रख दिया है साइड में और यहाँ पे जो फिश मसाला में जो जो मसाला डालते हैं ना, जैसे सरसों मसाला वाला जो भी चीज़ हुआ, वो सारा चीज़ यहाँ फ्राई करके और तब इसको थोड़ा सा पानी डाल के जैसे ग्रेवी बना के, और मैंने केले जो फ्राई करके रखे हुए थे वो उसमें डाल दिए हैं। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, हमें ऑलमोस्ट कम से कम 5-7 मिनट तक उसको खौलाना है, फिर ये सब्जी हो जाएगी रेडी। पैकिंग हुई है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ तो परी आ गई है अभी स्कूल से और ये आते ही बोल रही है कि अब मैं इस समय से कुछ नहीं करूंगी। क्या करूंगी? पैक करूंगी। तो मैं वैसे भी पैक नहीं की हूँ, इनका भी सारा कुछ मतलब इधर निकाल कर रखा है। नहीं मैं आपका और दूसरा कपड़ा निकाल कर रखी हूँ, ठीक है? हाँ आप ही चूज करती हूँ लास्ट ईयर से, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने से चूज करूंगी। अपने से चूज करूंगी, मैं ये कपड़ा ले दूंगी। ठीक है तो अभी जो भी और इसके बाद भी है ना, ये किसका किसका है? ये प्रिंसो का है। मैं अपना चाहिए कपड़ा। तो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अभी खाना खा लीजिए। तो ये वाला ट्रॉली ना सूखने को डाले थे छत पे, एक्चुअली बाकी किसी भी ट्रॉली में सामान नहीं रखते हैं, लेकिन ना इसमें थोड़ा सामान रख के और पर इसको वो कर दिए थे, रख दिए थे, तो थोड़ा होता है ना, मतलब इसको पैक करके ही रखे थे। तो ये सूख गया है और मेरा हाथ ही दब जाता है। तो बस इसमें ना मैं सोच रही हूँ कि जो डेली यूज वाले या फिर मतलब निकालने हैं वो कपड़े रखूँ, वो एक ट्रॉली मेरा फुल हो चुका है उसमें, नीचे ये डाल दे रही हूँ। और बाकी कपड़े मैं थोड़े बहुत वो करके रखी हूँ, ये देखिए खरीद के लाए थे, ये कल ही लेके आए थे, तो ये वाला है। बट मैं जब शॉपिंग पे गई या फिर ये भी गया तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी सूट करने का टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी में ही हुआ है। तो ये कुछ कपड़े मैं लेके जा रही हूँ, बाकी इधर की साइड में है ये तो पहना हुआ कपड़ा है हमारा, तो कुछ एक कपड़े भी हैं सारे इसमें रखूंगी। और परी जब स्कूल से आई थी ना तो आप लोगों को दिखाए थे, तो वो अपना देखिए यहाँ पे रखे गई है अपना, ये लोग क्या रखे हैं बताती हूँ। बाकी कुछ रखे नहीं है, नाइट सूट रखे हैं, परी अपना न्यू जो फ्रॉक था वो रखी है, लेकिन मैं क्या रखी हूँ वो नहीं देखी है अभी। उससे भी जो नया नया एक दो और था और जो उसके पे अच्छा लगता है वो कपड़े मैं रख ली हूँ। और वैसे भी कहीं जाने आने वाला है तो उतना मतलब यूज भी नहीं हुआ है। तो गाइज अभी फिलहाल दो बैग जो है ये मेरे हो गए हैं पैक, मतलब दो लगेज मेरे पूरे पैक हो गए हैं। ये तो पूरा फुल्ली हो गया है और ये भी फुल हो गया है, थोड़ी मोड़ी मतलब एक आध अगर जगह चाहिए तो थोड़ी मोड़ी है, बट अभी मतलब ऊपर पर मैंने जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, बट अभी भी मुझे देखना है। और अभी परिप्रिंसु आके और फिर चले गए हैं, तो देखती हूँ वो लगाते हैं। तो बाकी मैंने सब कुछ उन लोगों का भी अपना भी पैक कर लिया है, लेकिन अभी एक और बन ही जाएगा। तो ये दो अभी मैंने रेडी कर लिया है, बाकी खाना वाला जो होगा वो रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आप लोग समझ सकते हैं ट्रैवल में जाते समय, जाते जाते मतलब हम खाना भी लेके जाएंगे बाई ट्रेन, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वजह से। और जो कपड़े अभी पहन के जाने हैं वो मुझे निकालने हैं, निकाल के मैं रख दूँगी पहले ही, ताकि मतलब जाते टाइम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है ये मतलब अगर बिखरा सिखरा रहे तो अभी हो गया है बाबू और परी को लाने का टाइम, तो हम लोग निकल चुके हैं, हमारा वॉक भी हो जाता है लगभग, तो दो राउंड इधर वॉक भी हो गया है वॉक करते करते, और अभी टाइम होने वाला है। तो टाइम देख के हम लोग 5-7 मिनट पहले या फिर 2-4 मिनट पहले चले जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तभी अंधेरा होने की शुरुआत हो गई है, कुछ दिनों पूरा रात हो जाएगा और हमारा वॉक भी हो जाता है। मस्ती समय ठीक है, मतलब अगर हमारा नहीं पूरा मोहल्ले का वॉक हो रहा है, ऊपर करेंगे तो पीछे दिखेगा वॉक लोग कर रहे हैं। हाँ सभी लोग करते फिर से आते हैं करते करते, और इधर इस साइड में पार्क भी है तो इधर भी बहुत लोग कर रहे हैं। वो लेके आ गई हूँ और परी यहाँ पे
क्या कर रही हैं? ट्रेन में जाने की तैयारी कर तो रही हैं। जब मैं बोर्ड होती हूँ हर रोज मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो आज मेरे को एक बोरिंग जर्नी नहीं चाहिए, तो मैं सब कुछ पैक की हूँ। और ये पता नहीं क्या क्या जो होता है ना, टॉयज वगैरह, डायरी वगैरह, तो मैं इसको फिल करूंगी। बेटा मैं और टॉफी वगैरह खरीदूंगी सर, मतलब इसके पास जो चीज है वो अपना पैक कर रही है। तो ये अपना रेडी कर रही है एक पर्स, छोटू सा पर्स। मेरे को चोट लगेगी तो ये लूंगी, पता नहीं क्या है स्टिकर कुछ है। तो वो सब तो ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बस अभी जाइए पढ़ाई कर लीजिए। और मैं बहुत सारा लेके चलूंगी परी, उतना से तुम्हारा क्या होगा, वो तो यहाँ से निकलते कि पहले ही अभी खत्म हो जाएगा। ट्रेन में तो मैं पजल बनाई हूँ, ये कार्ड होता है और इसको। और आ गए प्रिंसू इधर, ठीक है। अब आप क्या करने आए हैं बताइए? ये हमारा दो बैग रेडी है। खाना कहाँ से मिलेगा? अच्छा सुनो सुनो सुनो, खाना कहाँ से मिलेगा? ट्रेन में। कहाँ से खरीदेंगे? ट्रेन में। आप कभी ट्रेन में गए हो? ट्रेन में। सुनो, आप कभी इसके पहले ट्रेन में गए हो? हाँ गए हूँ मैं। आपको याद है? हाँ। नहीं याद? दोस्त गए। अच्छा किसी दोस्त के साथ गए हैं। ये मेरे ख्याल से मतलब होश में अच्छे से मतलब वो करके ना पहली बार जाएगा, क्योंकि बाबू बहुत छोटा, जब पहली बार इसको लेके आई थी तो उस टाइम तो खैर फ्लाइट से आया था। तो इधर मेरा अभी कुछ चीज़ बाकी है जो कि मेरा सामान रखना है, तो अभी मुझे भी कुछ सामान रखना है। बाकी सारी कपड़ों की पैकिंग हो गई है, बट मुझे जो भी क्रीम वगैरह मेरे पर्स का सामान जो है वो सारा मेरा बाकी है। तो कुछ एक चीज़ है वो सारी रखूँगी, जैसे कि क्रीम हो गया, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, नॉर्मली कॉम हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी रखूँगी। तो ये भी अभी ही कर लूँगी मैं, ताकि मेरे लिए कल के लिए कुछ वो ना रहे। तो ये वाला थोड़ा ये डार्क में है, लिपस्टिक मैं दो तीन रख रही हूँ, और काजल अभी लाइनर कहाँ है? लाइनर मेरा बेटा अंदर है, मैं देखी हूँ। हाँ अंदर में लाइनर है। मैं जब मम्मी कहती है कि तीन चार लिपस्टिक ले जाऊंगी तो पांच छह ले जाएगी सबके लिए, गांव में बांटना है तो ये है। और बाकी मेरा वॉच वगैरह है तो वो तो जाते वक्त डाल लूंगी, इसको मैं एक डब्बे में करूंगी। बाबू ऐसे मत करो बेटा। तो ये हो गया मेरा लिपस्टिक वगैरह, देखो मैं बोल रही थी ये वाला भी मुझे लिपस्टिक लेके जाना था। तो ये मेरा लिपस्टिक जो है ये सारे नए नए हैं अभी तीन चार, और ये नेल पॉलिश वगैरह देखती हूँ नेल पॉलिश लेके जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि गिरने का भी थोड़ा डर रहता है। लेके भी जाऊँगी तो फिर वापस उधर से नहीं लेके आऊँगी, क्यों नहीं लेके आऊँगी, वही तो छोड़ दूँगी बेटा। तो ये अभी लिपस्टिक इतना है, बाकी तो इतना सारा चीज़ जो है अभी रेडी करना है। बाबू लोगों के लिए कुछ कुछ चीज़ें रखनी है तो वो सारी रखूँगी। तो अभी बस मेरा जो पर्स का सामान है और जो मतलब लिपस्टिक वगैरह, जो थोड़ा मेकअप का किट रखना है वही रखूँगी। आई शेडो वगैरह नहीं ले जाएंगे, उसका प्लेट मेरा बड़ा है ना। हाँ छोटा वाला प्लेट एक लिए थे बट पता नहीं ये प्लेट काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आ जाएगा कपड़ों के बीच में। तो ये सब रखेंगे गाइज, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सबको एक जगह समेट के, फिर उसको रख दूंगी। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो अभी एंड कर देती हूँ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी। हाँ कमेंट भी कीजिएगा, बाबू बोल रहा है कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हो आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय।